लोग अभी बांग्लादेश 0 पॉइंट पे हैं, गाड़ी अभी निकलने के लिए मतलब तैयार है, अभी थोड़ा देर के लिए बॉर्डर बंद किया है, क्यों यहाँ साफ सफाई हो रहा है, साफ सफाई हो जाएगा, पानी छीटा मारा जा रहा है, उसके बाद गाड़ी छोड़ा जाएगा। हम लोग इंडिया में आ गए, ये इंडिया की गाड़ी और ये इंडिया, सब कागज जमा दे के आ गया हूँ गाड़ी के पास, अब चलता हूँ, पहले नहा लेते हैं, अभी भाड़ा मिला नहीं है, भाड़ा तो मसाला को डाल देंगे, ये देखिए मसाला ज्यादा नहीं देते हम लोग, एकदम थोड़ी सी मात्रा में हल्का सा पानी देके। तो हमारा खाना निकल चुका है, ये है अमित का खाना और ये मेरा और यहाँ है लखन का, तो चलिए खाते हैं तीनों आदमी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ और मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं हम। और हम लोग जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश में है, तो ये अभी बांग्लादेश का पार्किंग में है, ये देख लीजिए, ये सब गाड़ी लोड गाड़ी है, इंडिया की गाड़ी है और ये गाड़ियाँ देखने से लग रहा है कि बहुत दिन से खड़ी है। होता है कभी कभी गाड़ी आ जाने के बाद खाली नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का गाड़ी खाली हो गया है। कल रात को आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखे तो रात में हम लोग खाली वाली करके आराम से सो गए थे, गाड़ी में कुछ खाना था जो खा के, अब सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार है, हमारा गेट पास वगैरह सब मिल गया है और यहाँ पे सामने गेट है, इसी गेट से आउट होंगे। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हमारा एक आदमी इंडिया में हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा अमित, तो चलिए चलते हैं, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं 0 पॉइंट का नज़ारा, सामने 0 पॉइंट से हम लोग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, गियर लगा दिए हैं 2 नंबर। तो ये आ गए हम लोग गेट पे, अभी सिक्योरिटी सर छोड़ेंगे गाड़ी को, फोन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग का पैसा नकदे लगता है। इंडियन टका माने इंडिया रुपया यही लगता है यहाँ पे। चलिए निकलते हैं, तो हम लोग अभी गेट से बाहर निकल रहे हैं पार्किंग से और निकल के फिर अब इंडिया चल रहे हैं। देखे यही लड़का चढ़ता है लोग गाड़ी यहीं साइड, अरे यार गाड़ी तो यहाँ रखता है पहले से, देखे लोग चढ़ेगा पीछे देख। अभी जा रहा है लखन चेक कराने के लिए, वहाँ पे सामने बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिखाना पड़ेगा। क्रॉसिंग प्रोहिबिटेड, वेलकम टू इंडिया, ये है इंडिया। सामने आ गया इंडिया, वहाँ पे भाई शूटिंग बंद हो जाएगा, कैमरा वहाँ पे नहीं चलेगा, अब बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग एकदम इंडिया ढूंकने वाले हैं, 0 पॉइंट पे खड़े हैं, अभी उधर काम वम चल रहा है साहब लोगों का, मतलब कुछ होता है पर्सनल काम, झाड़ू वाड़ू लग रहा है, पानी मारा जा रहा है, तो अभी बंद है गेट, अभी मतलब हो जाएगा तो हम लोगों को छोड़ेंगे। उस साइड भी गाड़ी खड़ी है इंडिया से बांग्लादेश ढूंकने के लिए, एकदम 0 पॉइंट पे हैं हम लोग। तो हम लोग अभी बांग्लादेश 0 पॉइंट पे हैं, गाड़ी अभी निकलने के लिए मतलब तैयार है, अभी थोड़ा देर के लिए बॉर्डर बंद किया है, क्यों यहाँ साफ सफाई हो रहा है, साफ सफाई हो जाएगा, पानी छीटा मारा जा रहा है, उसके बाद गाड़ी छोड़ा जाएगा। तो अभी हम लोग इंडिया में आ गए, ये इंडिया की गाड़ी और ये इंडिया, चलिए अब कांटा पे चलते हैं, कांटा करवाना होगा। और ये है मुन्ना भाई का ऑफिस, तो फ्रेंड्स हम लोग कांटा करवा लिया और यहाँ पे हमारा माल हुआ है, वहां पे लोड किए थे 30 टन 680 किलो और यहाँ पे हो रहा है 30 टन 320 किलो, यानी माल 360 किलो शॉर्ट हो रहा है। तो प्याज सूखता है 500 किलो तक सूखता है, मतलब वहाँ से पार्टी एक्स्ट्रा 5 क्विंटल माल एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है, 6 क्विंटल,
कि माल सूख जाता है, उसका भाड़ा भी नहीं लगता है, वो लेके आना पड़ता है हम लोग को फोकट में। तो उसमें से 360 किलो सूख गया है। चलिए अब पार्किंग में लगाते हैं। और ये वाला है ऑफिस जहाँ पे भाड़ा मिलेगा, मतलब यही एक्सपोर्ट किए थे, तो अभी उनके पास पेपर लेके जाते हैं और देखेंगे कब तक भाड़ा मिलेगा, वो आपको सब बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पहले चलते हैं गाड़ी को अच्छी जगह पे लगाते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग गाड़ी लगा दिया पार्किंग में और पास में यहाँ हौदा है, उस साइड आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ नहाने धोने का सब है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बाहर से चाय पी के आते हैं। बांग्लादेश में जाके कुछ भी नहीं खाया मैं तो खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं वहाँ का पिया, मतलब वहाँ पे बना के लाए थे सिर्फ पार्टी वाले, वही चाय पिया, बाहर हम लोग चाय पीने भी नहीं गए। और चलता हूँ यहाँ से चाय पी लेते हैं। और ये है नहाने धोने का, यहाँ पे पार्किंग में जगह है, पैसा लगते हैं नहाने धोने का, लेकिन व्यवस्था है। और पार्किंग में देख लीजिए पूरी गाड़ी भरी है, ये सब खाली गाड़ी पत्थर में चलने वाली है, शायद इनको लोड नहीं मिला है इसीलिए खड़े हैं। और वहाँ लोड गाड़ी सब खड़ी है, सब बांग्लादेश जाने वाली लाइन में लगी है। आज थोड़ा प्याज गाड़ी कम दिख रही है, चलते हैं। हाँ क्या खबर आसो? नमस्कार। हाँ नमस्कार मेरा दोस्त। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा दोस्त है, कैमरा मैन बनता है। हाँ। पहले का नाम लेना पड़ेगा, बहुत दूर से आया मेरा दादा, ऐसे बात नहीं है, वही बात है। हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। ये पार्किंग का लड़का है, मतलब वहाँ नहाते धोते हैं जहाँ पर, तो इसी की जिम्मेवारी में है, पहचानता है, पहले भी यहाँ हम लोग आए हैं कई बार। तो यहाँ पे थोड़ा आ गए मुन्ना भाई के ऑफिस में, थोड़ा इनसे मिल लेते हैं। और आ गए मुन्ना दा के ऑफिस में। और मुन्ना दा कैसे हैं? चलिए हमारा आदमी ठीक से रहा आज रात भर, इन्होंने ही जगह बताए थे अमित को रहने के लिए। चलिए थैंक यू, इनका धन्यवाद। हाँ मिला मिला। तो चलिए चाय इधर बनवा रहा हूँ, आके चाय पीजिए। हाँ दादा चाय होगा? चाय तो चाय बनाइएगा। आगे हम लोग नाश्ते के दुकान में, और यहाँ पे भटूरा बना हुआ है, तो थोड़ा आज खाते हैं छोला भटूरा। बैठ जाओ लाइन में, तुम चलो अंदर। और तो हम लोगों ने छोला भटूरा ऑर्डर कर दिया है। हाँ हाँ दीजिए, ये है भटूरा, वो एक कचौरी है, इसका क्या बोलते हैं अलग से एक नाम है भटूरा, वर्जन कचौरी का पूरी का वर्जन है, वो है लखन, उसका भी ऑर्डर हो गया। और यहाँ है अमित, खाने के डब्बा के साथ खाओगे क्या? तो दोस्तों हमारा छोला लग गया, इस पर थोड़ा ये बीट नमक का छिड़काव कर देंगे, बीट मतलब काला नमक, बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और खाते हैं, बाकी इसको खाने दीजिए। सुपर भाई, बढ़िया टेस्ट हुआ है। हमारा नाश्ता हो गया है, हम लोग अभी चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के। और वहाँ एक बहन जी है, मंद बुद्धि है, तो उनके लिए दो पूड़ी और सब्जी दे दिया हम लोग, ऐसा सोचे हम लोग, अगर हम लोग सभी ऐसा सोचे तो बढ़िया रहेगा। हम लोग अभी मार्केट कर लिए हैं, और आज पूरे मतलब सावन ख़त्म हो गया है, तो हम लोग आज चिकन लिए हैं, तो चलिए आज बनाएंगे चिकन और राइस, और नहा धोवा के एकदम आज खाते हैं, इंजॉय करते हैं। अभी भाड़ा लेना है, मैं जाऊंगा थोड़ा सामने भाड़े वाले ऑफिस में, क्या बोलता है भाड़ा के लिए। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग गाड़ी के पास, और ये हमारी गाड़ी, और ये बहुत बड़ा पार्किंग है, आप लोग देख सकते हैं, अभी तो पार्किंग एकदम खाली चल रहा है। और पास में वहाँ फेंसिंग वायर है, वो बांग्लादेश का बॉर्डर, आपको दिखाते हैं, मतलब उधर ये फेंसिंग वायर इंडिया में है, यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे तो बांग्लादेश का मतलब सीमा चालू हो जाता है। वो देख लीजिए पांचिल के उस पर फेंसिंग वायर लगा हुआ है पूरा, इस पर पूरे रोड बना हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी रहता है एकदम 24 घंटा। तो चलते हैं अब गाड़ी में। अभी हम आए हैं मुंडा दा के कंप्यूटर दुकान में, तो यहाँ पे जीरोक्स निकालना है, RC पैन कार्ड, TDS डिक्लेरेशन फॉर्म और अकाउंट डिटेल, ये सब देना पड़ेगा पार्टी को, क्यों पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। ये अकाउंट में पेमेंट मिल जाता है तो ठीक ही है, पहले कैश मिलता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया तो सब कुछ अकाउंट में हो गया, तो अकाउंट में मिलता है तो हल्का ही है अपने लिए, कैश में लेते थे तो बहुत जिम्मेवारियां बढ़ जाती थी। तो ये देख लीजिए ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब दे देंगे, अभी चेकबुक का फोटो निकालना है। फ्रेंड्स सब कागज जमा देके आ गया हूँ गाड़ी के पास, अब चलता हूँ, पहले नहा लेते हैं, अभी भाड़ा मिला नहीं है, भाड़ा 1.5 घंटा के बाद जाएंगे, तो पहले नहा वहा के फिर खाना वाना बनाते हैं हम लोग। हमारा नहाना धोना हो गया, एकदम नहा धोवा के फ्रेश हो गए और खाना बनाने को हम लोग लग गए, तो आज लाए हैं चिकन, ये देख लीजिए। तो यहाँ चिकन लखन धो रहा है, और अमित जो है प्याज काट रहा है,
और सडनली हम लोगों का गैस खत्म हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो अभी हम लोग यहाँ देखिए भट्टी जला दिए हैं, तो अभी भट्टी पे बना रहे हैं चावल। तो चलिए अब क्या करें, कभी कभी होता है ऐसा। अब हम लोग ध्यान नहीं दिए, पहले गैस नहीं था, नहीं तो भरवा लिए होते। तो चलिए इसी पे बनाते हैं हमारा चावल, और इस पे स्वाद बहुत बढ़िया होता है चिकन का, और चाहे जो भी खाना बनाते हैं ये अपना जो देसी स्टाइल है तो इसमें स्वाद जो है बढ़िया आता है। अभी मैं चल रहा हूँ भाड़ा वाला घर में, वो बोला था, मैं डॉक्यूमेंट जमा करके आ गया हूँ। तो क्या बोलता है, एक घंटा हो गया, वो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है उसी में है। हमारा चिकन बनना स्टार्ट हो गया है, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, तो अभी आलू को भूज लेंगे। चार आलू है, ये बंगला स्टाइल बन रहा है। पहले मैंने मटन चिकन जो भी होगा उसमें आलू जरूर डालेंगे बंगाली लोग, तो चलिए उसी स्टाइल में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अभी आलू फ्राई हो गया, अब प्याज को फ्राई करेंगे। पहले इसको बढ़िया से भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे ये चिकन को। चिकन धो धा के मस्त रेडी है। हमारा प्याज भुजा गया, देख लीजिए ब्राउन कलर हो गया। अब इसमें डाल देंगे चिकन को और चिकन के साथ में इसको भूजेंगे। हमारा चिकन बन गया है, मतलब बन ही रहा है एकदम। भूज के प्याज गला दिए हैं, अब यहाँ पे है हमारा मसाला, ये देख लीजिए। तो अब इसको डालेंगे, थोड़ा भूज लेते हैं इसको बढ़िया से, फिर डालते हैं। तो अब मसाला को डाल देंगे, ये देखिए मसाला ज्यादा नहीं देते हम लोग, एकदम थोड़ी सी मात्रा में, हल्का सा पानी देके। अब इसको बढ़िया से भूजेंगे, मसाला को पका लेंगे, और लकड़ी के आग पे जो है एकदम बिहारी बंगाली सब स्टाइल मिला दिए हैं। तो चलिए बनाते हैं बिहारी स्टाइल में चिकन। बन गया है हमारा चिकन, और थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है, ये है अमित का खाना, और ये मेरा, और यहाँ है लखन का। तो चलिए खाते हैं, तीनों आदमी साथ में बैठे हैं, और यहाँ है लखन। चल बोलो। हाय दोस्तों, हम लोग खाना वाना तो निकल लिया है, पानी की बोतल भी तीन आदमी तीन ठो ले लिया है, और थाली भी तीन है। तो चलिए खाते हैं। खाना कैसा बना है? खाना जबरदस्त बना है दोस्तों। हाँ चलिए खाते हैं। हाय फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी पार्किंग में ही हैं। दिन में देखे आप लोग नहाए धोए खाना बना के खा के सो गए, गाड़ी में आराम कर रहे थे, फिर शाम को जगे। जगने के बाद अपना भाड़ा वाड़ा भी लेना था, वो सब वहां से क्लियर हो गए, वो अकाउंट में डाल दिया। फिर हम लोग बोले चलो अब खाना बना लेते हैं। तो हमारा खाना बन रहा है, यहाँ पे रोटी बन गया है, आप लोग देख लीजिए, और पटल का खेक्सा का भुजिया बना रहे हैं। तो इसमें भुजिया का मसाला मतलब डाला जा रहा है, पचफोरन और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए खाना बना के फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और हम लोगों को जाना है लोडिंग में बर्दवान, बालेश्वर का लोडिंग है। पहले सोच रहे थे कि पत्थर लोड कर लेंगे खड़गपुर का, लेकिन उसमें भी भाड़ा नहीं है, तो उड़ीसा का माल मिला है बालेश्वर का, वो भी देखिए गाड़ी की, दो गाड़ी माल है। तो अब तो पार्टी बोल रहा है एक गाड़ी कल लोड होगा, एक गाड़ी परसों लोड होगा, और दूसरी गाड़ी जो है हमारा भाई धर्मेंद्र वो आ रहा है कलकत्ता में, वो खाली किया है। अब बर्दवान यहाँ से हमारे लिए जहाँ पे लोडिंग है वो 200 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं, एक दिन खड़ा होगा तो अब क्या करें, गाड़ी घोड़ा में होता है वैसे। तो पहले खाना बना लेते हैं, यहाँ से खाना खाओ कर हम लोग निकल जाएंगे। तो लखन खाना बना रहा है, और रोटी जो है अमित बनाया है, वो देखिए खड़ा है। और आपको और एक चीज दिखाता हूँ, चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। पास में यहाँ पे देख लीजिए वो बॉर्डर, इंडियन गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी फोर्स को कितना मशक्कत करना पड़ता है, देखिए वो फेंसिंग वायर लगा है, और पूरा बॉर्डर पे लाइट जलता है यहाँ पे, उस साइड देख लीजिए पूरा लाइट लगा हुआ है इसी तरीके से, और ये फेंसिंग वायर जितना दूर में बॉर्डर है उतना दूर में लाइट, और पूरा सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी है। देख लीजिए वेपर लाइट कितना, ये तो पार्किंग का लाइट सादा वाला, जो पीला वाला लाइट दिखाई दे रहा है वो फेंसिंग वायर के बगल में है, और किनारे किनारे रोड बना हुआ है पूरे, इस पे BSF ड्यूटी करती है। भाई इंडिया का तो मैंने गार्ड करने के लिए सलाम है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और बहुत मशक्कत करना पड़ता है ये हमारे लिए, सेफ्टी के लिए, माने हम इंडियंस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, थैंक यू। तो अब चलते हैं, हम लोग खाना बना लेते हैं, फिर खाना खाकर और यहाँ से चलेंगे। फ्रेंड्स हमारा भुजिया बन गया एकदम, देखिए भूज के इसको थोड़ा सा कर दिए, अब इसमें हल्दी डाल देंगे, तो थोड़ा हल्दी मसाला दे दो। तो दोस्तों हमारा खाना बन के तैयार है, भुजिया और रोटी,
और तीन थाली में निकाल लिए हैं, ये अमित और मैं और ये उसका लखन का। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। लखन थोड़ी देर बाद खाएगा क्योंकि वो शूट कर रहा है। और भुजिया बड़ी बढ़िया से बनाए हैं हम लोग। स्वाद बढ़िया है। हमारा खाना पीना हो गया, खाओ के एकदम बड़ी मजा आया। अब हम लोग चलने के लिए तैयार है, तो अभी लोडिंग कंफर्म नहीं हुआ है। लोडिंग आपको बता रहे थे बर्दवान से है, दो गाड़ी माल, एक गाड़ी धर्मेंद्र आ रहा है। तो क्या है कि एक गाड़ी कल लोड होगी, एक गाड़ी परसों लोड होगी। अब परसों वाली गाड़ी को कंफर्म नहीं बता रहा है, परसों अपना नंबर है। तो अब अपने अंदाज पे, विश्वास पे अब चल रहे हैं उधर ही बर्दवान के पास। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। रात 10:30 बज रहे हैं और पास में एकदम बॉर्डर है बांग्लादेश का, लाइट जल रहे हैं 0 पॉइंट, मतलब जो वेपर लाइट सब जल रहा है वो बांग्लादेश बॉर्डर है। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, उधर जा भी नहीं सकते, अलाउड नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।